मेवात जिला कारागार नुह में निकाली गई तिरंगा यात्रा देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आए कैदी। आपको बता दें कि जिला कारागार नुह द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कैदियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत करके कार्यक्रम में कैदियों ने समा बांध दिया। तिरंगा यात्रा में डीसी अजय कुमार व एसपी वरुण सिंगला, जेल अधीक्षक सत्यवान, उप जेल अधीक्षक रेशम सिंह व सुरेंद्र सिंह ने भी तिरंगा यात्रा में भाग लिया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बता दें कि अपने बीच पहली बार आला अधिकारियों को पाकर कैदी पूरी तरह उत्साह से लबरेज दिखाए दिए। डीसी अजय कुमार ने कहा है कि भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी का जश्न देशवासियों के साथ मिलकर मना रहा है और इसी के मद्देनज़र देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान चलाने का निर्णय लिया है, ताकि आमजन अपनी अपनी घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। इस अभियान से निश्चित तौर पर आमजन को तिरंगा से जुड़ाव व लगाव और अधिक गहरा होगा, जिससे राष्ट्रीय प्रेम व सम्मान की भावना को बल मिलेगा। उपायुक्त ने कहा है कि तिरंगा यात्रा के दौरान आमजन की तरह कैदी भी देशभक्ति से पूरी तरह ओतप्रोत दिखाई दिए। बता दें कि डीसी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि 3 दिवसीय हर घर तिरंगा अभियान का आगाज शनिवार से सोमवार स्वतंत्रता दिवस तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत पूरा जिला 100% कवर होगा और ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरी व सभी सरकारी भवनों व वाहनों पर तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जेल परिसर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई एंड उसमें जेल स्टाफ और सारे इनमेट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। काफी हर्षोल्लास से परिसर के अंदर भी ये अभियान को मनाया जा रहा है, ये बड़ी खुशी है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था एंड उसके बाद इसमें सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इनमेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, जो भी लेटेस्ट एज पर सैंक्शन जो है वो यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कोई और समस्या कोई है तो वो हमने स्टूडेंट्स आपको कहा है कि इसके बारे में प्रशासन से अगर कुछ है तो वो जरूर बताएं। अब काफ़ी उत्साहित थे सारे इनमेट्स एंड कोई भी इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल है, इवन राहगिरी भी जेल परिसर में मनाई जाती रही है, तो इसी की कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, जिले में मनाया जा रहा है। इसी के तहत ये भी था कि जेल परिसर में भी इसको मनाया जाए। आज देश में 75वें आज़ादी उत्सव मनाया गया। घर घर में तिरंगा यात्रा के तहत बंदियों ने भी तिरंगा यात्रा में सहयोग किया। जेल प्रशासन द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके लिए बंदियों में तथा स्टाफ में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। आज इस यात्रा में सभी जवान शामिल हुए तथा अधिकांश बंदी शामिल हुए, जो सभी खुश थे, उत्साहित थे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताज़ा खबर रोजाना ना देखना भूलें मेवात सिटी न्यूज पर। बता दें कि लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।